पेंशनर का काम करेगा, वही देश में राज करेगा। जो पेंशनर का काम करेगा वही देश में राज करेगा। कमांडर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कमांडर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे वंदे वंदे। नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉई खबर चैनल की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दिनांक 26 नवंबर 2023 को दीपमाला पगरानी संस्कार पब्लिक स्कूल श्री हरदाराम नगर बैरागढ़ भोपाल में ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति भोपाल की एक आवश्यक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में 7 दिसंबर 2023 को रामलीला मैदान में ऐतिहासिक आंदोलन के प्रदर्शन व संसद पर कूच एवं जंतर मंतर पर 8 दिसंबर के क्रमिक अनशन जो कि क्रमानुसार यहां पर किया जाना है उसके बारे में यहां पर विशेष चर्चा हुई। मध्य प्रदेश के पेंशनर साथी 15 दिसंबर को क्रमिक अनशन पर बैठेंगे, वहीं 7 दिसंबर 2023 को होने वाले ऐतिहासिक आंदोलन में यहां पर मध्य प्रदेश भोपाल के कर्मचारी भी भाग लेंगे। वहीं पेंशन धारकों ने जानकारी दी कि उन्होंने दिल्ली जाने के लिए रिजर्वेशन करवा लिया है और जिन्होंने रिजर्वेशन नहीं करवाया है उनसे रिजर्वेशन करने का अनुरोध भी बैठक में किया गया। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के लिए 4 पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। आज की इस बैठक में उन्हें पुष्पहार पहनाकर जो है स्वागत किया गया। काशीराम जी को संगठन के प्रति तन मन धन से कार्य करने के लिए भी पुष्पहार पहनाकर सम्मान किया गया। वहीं पर बैठक में आर के धारकर प्रदेश समन्वय, जीव नारायण जिला अध्यक्ष, श्री शैलेन्द्र शर्मा कोषाध्यक्ष, डीपी भार्गव जिला सचिव, अरुण कामले जिला सह सचिव व रविंद्र निगम जिला समन्वयक ने 7 दिसंबर 2023 के ऐतिहासिक आंदोलन के बारे में अपने अपने विचार भी व्यक्त किए। रामलीला मैदान में अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली जाने के लिए सभी पेंशन धारकों से अनुरोध किया और सभी ने यहां पर सहमति व्यक्त की। वहीं श्री एम के शर्मा जी ने भी मीडिया प्रभारी द्वारा सभी से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के आंदोलन को सहयोग व सफल बनाने के लिए अनुरोध किया। तो इस तरह से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की एक बैठक भोपाल में भी 26 नवंबर 2023 को संपन्न हुई है, जहां पर भी 7 दिसंबर को होने वाले रामलीला मैदान के आंदोलन के बारे में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को संज्ञान किया गया और आंदोलन में शामिल होने को कहा गया। वहीं पर प्रांतवार जहां बारी बारी से ईपीएस 95 पेंशन धारक जंतर मंतर पर लगातार क्रमिक अनशन करेंगे, उसमें 15 दिसंबर को मध्य प्रदेश भोपाल के पेंशन धारक अपनी ओर से क्रमिक अनशन में भागीदारी निभाएंगे। तो यही एक लेटेस्ट अपडेट आप सभी तक पहुंचाना था। उम्मीद करता हूं ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह से पीएफ पेंशन सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट कर्मचारियों से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।